भारत में कोरोना की स्पीड तेज। देश में 1,30,000 से ज्यादा हुई कोरोना से संक्रमितों की संख्या। कोरोना ने अब तक ली 3,800 लोगों की जान। 54,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। स्पेशल एसी ट्रेनों में अब 30 दिन पहले बुकिंग शुरू। आज से लागू होंगे नए नियम। रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त बाजपेयी ने कहा, यात्रियों की सुविधा के लिए बढ़ाई गई 12 मई से चलाई जा रही 15 विशेष एसी ट्रेनों की अग्रिम आरक्षण अवधि। पोस्ट ऑफिस और यात्री टिकट सुविधा केंद्र पर बुक किए जा सकेंगे टिकट। वंदे भारत मिशन के तहत आज ओमान के मस्कट से आएंगे बिहार और झारखंड के प्रवासी कामगार। मिशन के तहत गया एयरपोर्ट लैंडिंग पॉइंट पर आएगी विशेष नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट। प्रवासियों को 14 दिनों के बाद उनके ईमेल या व्हाट्सएप पर दिया जाएगा क्वारंटीन सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मार्केट खोलने की तैयारी जोरों पर। आज बाजारों का कराया जाएगा सैनिटाइजेशन। ऑल्टरनेट डे पर खुलेंगे सर्राफा और चिकन बाजार। रविवार को होगा साप्ताहिक अवकाश। आज से शुरू होगी आईपीएल की रौनक। 6 दिन में देखे जा सकते हैं बीते 12 साल के फाइनल मुकाबले। स्टार स्पोर्ट्स के अलग अलग चैनलों पर दिखाए जाएंगे आईपीएल के 2 फाइनल। ज्यादातर अप्रैल और मई में खेला जाता है आईपीएल। आईपीएल के 13वें सीजन का फाइनल भी 24 मई को खेला जाना था, लेकिन कोरोना के चलते टाला गया आईपीएल। देश में आज दिखाई देगा ईद का चांद। 25 अप्रैल से शुरू हुआ था रमजान का पाक महीना। कल यानी 25 मई को देश भर में मनाया जाएगा ईद का त्यौहार। लॉकडाउन के चलते बरतनी होंगी सावधानियां। ओडिशा और मुंबई में आज से होगी शराब की होम डिलीवरी। बीएमसी ने शर्तों के साथ दी इजाजत। फिलहाल कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी डिलीवरी। लॉकडाउन के चलते 25 मार्च से बंद थी सभी दुकानें। दुनिया भर में तबाही मचा रहा है कोरोना वायरस। पूरी दुनिया में कोरोना के मामले 53,50,000 के पार। मृतकों की संख्या 3,50,000 से ज्यादा। 22 लाख से ज्यादा लोगों को किया जा चुका है ठीक। आज रिलीज होगी शाहरुख खान की नई वेब सीरीज बेताल। एक हॉरर थ्रिलर है बेताल, जिसका लेखन और निर्देशन पैट्रिक ग्राहम ने किया। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी बेताल। देश को अभी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में 44 डिग्री के आसपास रहेगा तापमान। दिल्ली एनसीआर में दिखेगा गर्म हवाओं का असर। सप्ताह भर तक गर्मी से किसी प्रकार की राहत की उम्मीद नहीं।